उदाहरण 5। एक रेखा L दो संकेंद्री वृत्तों एक ही केंद्र वाले वृत्त को A, B, C और D बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, जो कि आकृति हमारे पास है। यदि AD बराबर 18 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो AB का मान ज्ञात कीजिए। वृत्तों का केंद्र O है। हल। केंद्र O से रेखा L पर लंब OM खींचिए। हमने सबसे पहले केंद्र O से रेखा L जो दी है हमारी आकृति में पर लंब OM खींचा। अब यहाँ पे हमारे पास OM लंब है BC पर। तब हम जानते हैं कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसीलिए BM बराबर MC, ये हमारा समीकरण एक हमने इसे ले लिया। अब कहीं हम आकृति में देखेंगे कि जो हमारे पास BC है रेखाखंड, उस BC को हम लिख सकते हैं BM धन MC। इसका योग जो है BM रेखाखंड और MC रेखाखंड को जोड़ने पर हमें रेखाखंड BC प्राप्त हो रहा है। अब चूंकि हम समीकरण एक में ये देख चुके हैं कि BM MC के बराबर है, तो हम MC के स्थान पे BM रखेंगे, तो BM धन BM बराबर BC की जो लंबाई है वो प्रश्न अनुसार 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ BM और BM का योग 2 गुणा BM बराबर 8 सेंटीमीटर, या BM की लंबाई जो है 8 बटा 2, 2 का पक्षांतर होगा 8 बटा 2 बराबर 4 सेंटीमीटर होगी। तो हमने रेखाखंड BM की लंबाई 4 सेंटीमीटर ज्ञात की। इस प्रकार OM लंब है रेखाखंड AD पर भी। हम देख सकते हैं कि इसी प्रकार OM लंब है AD पर। तो यहाँ पे हमारे पास AM बराबर MD हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो इस तरह से हमने प्राप्त किया AM बराबर MD, जो कि हमारा समीकरण 2 है। अब हम फिर से पुनः AD को लिखेंगे AM धन MD बराबर AM और MD का जो रेखाखंड का योग है वो AD के बराबर होगा। अब हम MD के स्थान पर AM लिख लेते हैं, तो क्योंकि MD बराबर AM है तो AM धन AM बराबर AD, या AM धन AM जो है 2 AM बराबर 2 AM बराबर AD का मान जो है हमारे पास दिया है
18 सेंटीमीटर। अब दो का पक्षांतर हम करेंगे तो AM बराबर 18/2, तो ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने प्राप्त किया AM का मान 9 सेंटीमीटर। अब हमें रेखाखंड AB की लंबाई ज्ञात करना है, तो अतः हम लिखेंगे, हमें ज्ञात करना है AB रेखाखंड का मान। तो AB रेखाखंड को हम लिख सकते हैं, हमारे पास AM का मान है और AM में कहीं हम BM को घटाते हैं तो हमें AB प्राप्त होगा। अब हमने AB यहाँ पे 9 सेंटीमीटर ज्ञात किया है और उसी तरह से BM जो है हमारा 4 सेंटीमीटर है। 9 में से 4 को हम घटाते हैं तो हमें 5 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमने ज्ञात किया कि AB जो रेखाखंड है उसकी लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर है। इस तरह से हमने AB का मान 5 सेंटीमीटर ज्ञात किया। यह इस रेखाखंड या इस उदाहरण का हल होगा।